नमस्कार, उर्वशीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैबेज और सोया ग्रेन्यूल्स की सब्जी, जो बहुत ही न्यूट्रिशियस रहती है सोया ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंस की वजह से। तो इसकी जो बनाने का तरीका है, वो अगर हम सोया ग्रेन्यूल्स यूज़ करते हैं तो उसका एक अलग सा स्वाद आता है। तो अगर अच्छे से बनाएंगे तो वो स्वाद दब जाएगा और बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना खाने में मज़ा भी आएगा। तो इसके बनाने के लिए मैंने एक कैबेज लिया है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, सोया ग्रेन्यूल्स न्यूट्रा के लिए हैं, और एक छोटा सा प्याज, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, मटर, हरा धनिया, लाल टमाटर और रोटी मसाले। तो सबसे पहले सोया ग्रेन्यूल्स को बॉईल करने के लिए और मटर को बॉईल करने के लिए मैं 3 ग्लास पानी लेने वाली हूँ, और ये वाले 3 ग्लास भर के मैंने पानी लिया है। इस तरह का आप अपना कोई भी ग्लास लेके 3 ग्लास के करीब पानी लेकर इसको बॉईल होने देना। तो पानी गर्म हो गया है, इसमें मैं नमक डालूँगी, 1/2 टीस्पून जितना नमक डालना है। नमक डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे, एक चम्मच की मदद से हम इसको पानी और नमक मिक्स करके बाद में हम इसमें ये मटर जो है ये और सोया ग्रेन्यूल्स मैं 1 कटोरी लेती हूँ। तो आप अपने मर्जी के अनुसार सोया ग्रेन्यूल्स कितना डालना है वो, अगर आपको ज़्यादा पसंद आता है एक बार आप बना के देख लेना कैसा लगता है आपको, और अगर ज़्यादा पसंद आता है थोड़ा सा ज़्यादा डालना हो तो 1/4 कटोरी के करीब आप ऐड कर सकते हो ग्रेन्यूल्स, मतलब 2 से 3 चम्मच आप एक्स्ट्रा ग्रेन्यूल्स ऐड कर सकते हो। आपके कैबेज के प्रोपोर्शन कितना है वो देख के आप थोड़ा सा सोया ग्रेन्यूल्स ऐड करके क्वांटिटी बढ़ा सकते हो इसकी। और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे, ताकि ये मटर और ग्रेन्यूल्स दोनों एक साथ बॉईल हो जाएंगे तो हमको सब्जी बनाने में आसानी रहेगी और बहुत ही फटाफट जल्दी सब्जी रेडी हो जाएगी। जो मैंने नमक चखा था तो डाला था 1/2 चम्मच, मैंने चख लिया है लेकिन थोड़ा सा कम है, तो मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए, ये ग्रेन्यूल्स और मटर बॉईल हो रहे हैं, 1-2 मिनट और लगेंगे। तो ये देखिए मटर भी बॉईल हो गए हैं, ये ऊपर तैर के आ गए हैं, मतलब कि ये बॉईल हो गए हैं और उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं ये जो है इसको पानी निकाल दूंगी, एक छलनी की मदद से पानी इसका निकाल के ये सोया ग्रेन्यूल्स और मटर को अलग कर देती हूँ। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में 1/2 टेबल स्पून तेल लेने वाली हूँ मैं। तेल गर्म होने तक मैं ये जो है मटर और सोया ग्रेन्यूल्स इसको छान लेती हूँ। तो इसी तरह से ये भी काम हो गया, तो तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, 1 छोटा टीस्पून जीरा ऐड करूँगी मैं। जीरा डालने के बाद हरी मिर्च और प्याज डाल देती हूँ, एक साथ ही ये दोनों को डालना है, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज को गुलाबी होने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे, अगर आप अदरक डालना चाहो तो डाल सकते हो, इसे टेस्ट अच्छा लगता है, और अगर प्याज अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। अब इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ, प्याज पिंक हो गए हैं तो अब टमाटर को मैं इस तरह से सौते कर लेती हूँ, और इसमें मैं अब डालूँगी मसाले, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया जीरा का पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च 2 टीस्पून,
और नमक स्वाद अनुसार। हम जो ये प्याज, टमाटर और कैबेज है, इन तीनों के भाग का नमक डालेंगे, क्योंकि हमने ग्रेन्यूल्स में बॉईल करते समय नमक लिया हुआ ही था। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये मसाला सेक लेंगे। तो मसाले सीख गए हैं, अब हम इसमें ये कैबेज डाल देते हैं। गैस की आंच अब हम स्लो कर देते हैं और ये सारे मसाले और प्याज टमाटर का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको कैबेज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके इसको एक दो मिनट के लिए ढक देंगे। तो मैं ढक के 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने दूंगी। थोड़ी देर के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे एक बार, ताकि नीचे चिपक ना जाए और अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। तो 1 से 2 बार आप इसको खोल के मिक्स कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि ये पकी है या नहीं। एक बार और मैं ढक रही हूँ, तो अब मैं चेक कर लूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से भाप भी बन गई है और ये सब्जी पक गई है। ये डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ग्रेन्यूल्स भी है और इसमें कोई पोटैटोस या कुछ यूज़ नहीं किया है। तो अब हम ये मटर और सोया ग्रेन्यूल्स का जो बॉईल किया हुआ पार्ट था वो डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ऑनियंस पसंद नहीं करते हो, अगर आप जैन हो या स्वामीनारायण हो, तो इसमें ऑनियन मत डालना, तो ये आपके लिए भी रेडी हो जाएगी। इसी तरह की सब्जी आप खा सकते हो बिना ऑनियन की, क्योंकि इसमें मैंने अदरक लहसुन कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ प्याज एक्स्ट्रा में डाला हुआ है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो ये देखिए सब्जी कुक होके रेडी है। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डालूंगी और मिक्स कर लेती हूँ और इसको मैं सर्विंग बाउल में ले लेती हूँ। तो हमारी सब्जी रेडी है। तो ये देखिए गर्मा गर्म सोया और कैबेज की सब्जी रेडी है। आप ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस है। और कैसी लगती है वो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।